शाजापुर के काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी ने स्थानीय गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने नमी बताकर गेहूं नहीं खरीदने को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और किसानों को परेशान करने और पैसे लूटने का भी आरोप लगाया है। वहीं समस्या का निराकरण नहीं होने पर धरने पर बैठने की भी चेतावनी दी। बता दें कि इस दौरान उन्होंने काले गेहूं की खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। देश में एक तरफ भाषण में कहा जाता है कि एक एक दाना किसान का खरीदना, गेहूं तो छोड़ो मिट्टी भी 2100 रुपए क्विंटल खरीदा, और जब सच्चाई में जाओ तो जिस प्रकार के छल्ले लगाने की कोशिश करी, जो गेहूं पूरी तरीके से सूखा हुआ है उसके अंदर मॉइस्चर बताया जा रहा है, और जिस मशीन से उपयोग करा जा रहा है वो नकली मशीन है। एक ही बोरी के अंदर 3 अगर आप मशीनें लगाओ तो अलग अलग तरीके का मॉइस्चर देती है, और उसके बाद जिस प्रकार के सर्वेयरों को लगाया है वो लूटने का काम कर रहे हैं, और कैसे किसान से 1000-2000 रुपए हड़प ले उसके बाद उनके माल को पास करें, ये पूरा स्पष्ट चल रहा है। मैं कई बातें इनसे सरकार से कह चुका हूँ, और एक बड़ा मुद्दा कि प्रदेश के अंदर लगातार काले गेहूं को बढ़ाने के लिए सरकार वो करती है, आयुर्वेदिक रहता अच्छा रहता, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता, और जब उसको किसान पैदा कर लेता तो उसे सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर रही कि हम इस काले गेहूं को नहीं खरीदेंगे। स्पष्ट करें सरकार की मंशा क्या है, पहले ही खरीदी लेट करी है, किसान उसको गेहूं को घर में रख रख के परेशान है, फिर कई घुन के नाम के ऊपर कई राई को वो बताने के नाम पे लगातार किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 3-3, 4-4 दिन लाइन लगते हैं, उसके बाद जब नंबर आता है तब खरीदी में जिस प्रकार के नाटक हो रहे, सरकार की मंशा किसानों को प्रताड़ित करने की है।